हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई थिंक आई एम रियली सॉरी पहले तो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है मेरी वीडियोस को आने में, बट आई प्रॉमिस यू दैट अब कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई मैं रोज अपलोड नहीं कर रही थी, कुछ टाइम लग रहा था। तो पहले बात करते हैं आज की वीडियो की। ऑफकोर्स तो जो आज हमारी वीडियो है वो है, मैं घर पे फेस क्लीनअप करने वाली हूँ। मेरा जो फेस क्लीनअप है, अब आप सोच रहे हो फेस क्लीनअप कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा बजट में होगा उसका प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये जो मेरा फेस क्लीनअप का मेरे जो प्रोडक्ट्स थे वो मेरे 200 के अंदर आ गए। सीरियसली गाइस, 200 के अंदर आ गए। तो इसमें चाहे आप बात करें फेस मास्क की, फेस स्क्रब की, लिप स्क्रब की, रोज़ वाटर की, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे 200 के अंदर आए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये मेरा काफ़ी अफोर्डेबल था। तो आज हमने ये चीज़ आज इसलिए करी है क्योंकि मुझे सीरियसली मुझे कम बजट में अपना फेस क्लीनअप करना था ये वीडियो। तो आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी घर पे कर सकते हैं अपना। तो जो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले रही हूँ, मैं आपको पहले उसका सारा इमेजेस दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो, तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हम अपना फेस क्लीनअप कैसे करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इन अ वेरी लो बजट। सो तो सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिंपल वाटर से फेस वॉश किया है। तो सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि अब हमारा है फेस वॉश आपने किया, देन उसके बाद आपको रोज़ वाटर लेना है। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ले रही हूँ गुलाब धारा का। आप चाहे तो कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, प्लेन रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। देन तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो रोज़ वाटर के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्क्रब। तो स्क्रब मैं ले रही हूँ एवरयूथ का, और आपको पता है एवरयूथ का बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाता है। सो यस, तो मैं यहाँ पे एवरयूथ का ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिमूव करता है, 10 रिमूव करता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मेरे जो बजट में था तो मैंने इसको इसलिए लिया। तो ये टर्मरिक का है। देन उसके बाद हम जाते हैं लिप स्क्रब पे। तो मैं यहाँ पे कैफिन का स्क्रब ले रही हूँ, कॉफ़ी स्क्रब। तो यस, ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको लिप स्क्रब, जब आपकी लिप की बात आती है तो आपको लिप स्क्रब करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपकी टैनिंग रहती है, आपकी जो डेड स्किन रहती है आपकी लिप में जो जमा, तो वो भी रिमूव होती है। अब उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यस, तो अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप अपने घर पर पेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्यों क्या लिया है, मैंने हल्दी ली है, और ये हल्दी सबके घर पर अवेलेबल रहती है ऑफकोर्स। सो एंड मैंने सेकेंड चीज़ यहाँ पर लिया है रॉ मिल्क। आपको कच्चा दूध लेना है, ओके, आपको पका हुआ दूध नहीं लेना, आपको कच्चा दूध लेना है। तो मैं मेन चीज़ यहाँ पे जो मेंशन कर रही हूँ, आपको पक्का कच्चा दूध लेना है। तो दूध ले रही हूँ, कच्चा दूध, और वो मैं मिक्स करूँगी अपनी हल्दी। तो आपको जितना आपको पेस्ट की ज़रूरत है आपको उतना लगे, और ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहने देना है ताकि वो आपके लिप में अच्छे से पेस्ट जो है वो बन जाए। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप ये देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें मैंने जो दूध मिक्स किया है वो उतना ज़्यादा नहीं किया है। आपको लिक्विड नहीं बनाना है, आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है ताकि आप अपने लिप में लगा सकें और आपके लिप में वो थोड़ा स्टे हो। तो ये मेरा डन हो गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेस वॉश करूँगी अच्छे से। देन मैं उसे अच्छे से पोंछ लूँगी। अब पोंछने के बाद हमारे पास दो यहाँ पे चीज़ें हैं, एक है रोज़ वाटर, एक है बायोटिक का टोनर। तो मैं यहाँ पे बायोटिक का हनी टोनर चूज़ कर रही हूँ अपने अभी फेस के लिए। और ये टोनर जो है वो हम अपने फेस में डैप करके लगाएंगे। डैप करने से पूरी तरह से वो अंदर पोर्स में चले जाता है और अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाता है। फेस के साथ साथ मैं नेक में भी यूज़ करूँगी। देन हमारा अगला स्टेप है फेस स्क्रब एवरयूथ का जो है। तो मैं चीक्स में, नोज में, और फोरहेड और चिन के एरिया में उसको स्क्रब करूँगी।
पहले हम उसका डॉट डॉट कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और कि कोई कोई वाटर यूज़ करता है, कोई कोई रोज़ वाटर, तो मैं यहाँ पे वाटर नहीं, यहाँ पे मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से इसका मसाज करेंगे और जितनी भी हमारी डर्ट रहेगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। और इसको अप अपवर्ड डायरेक्शन में अगर करेंगे आप तो सारे जितना भी आपके स्किन में डर्ट है तो वो सारा रिमूव होगा। और एक और चीज़ ये कि किसी किसी के ना नोज़ पे और चिन पे जो है वो ब्लैकहेड ज़्यादा रहते हैं, तो वो अगर जिनके नोज़ पे और चिन पे ब्लैकहेड ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। ज़्यादा यहाँ पे अपने फेस को रब नहीं करना है स्क्रब से, क्योंकि स्क्रब हमारे फेस के लिए बहुत हार्श रहता है, तो उसको हमको थोड़ा सा ही करना है कुछ ही टाइम के लिए। देन इसको फिर अच्छे से टॉवल से, गीले टॉवल से पोंछ लेना। अब मैं इसे थोड़ा सा सूखने दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। सो यस, अभी हमारा सूख चुका है। लास्ट स्टेप हमारा है, मैं यहाँ पे कैफिन का स्क्रब ले रही हूँ। और ये लास्ट स्टेप हमारा है कि हमें लिप स्क्रब करना है। तो उसके लिए आपको टूथ ब्रश चाहिए और आपको एक स्क्रब चाहिए, या फिर आप अगर ये आपका स्क्रब नहीं है तो आप हल्दी या उसमें दूध मिला के भी आप स्क्रब कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों स्टेप करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जो पहला स्टेप कर रही हूँ, मैं वो कैफिन की स्क्रब ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये कॉफी का स्क्रब है, तो आप यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले इसका कर रही हूँ। तो आपको अपना जो ब्रश है वो आपको गीला ही रखना है, वैट ही रखना है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिप को भी हमें थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन में उसको अपने से अच्छे से स्क्रब करना है। आपको इससे आपकी सारी लिप की जो डेड स्किन है वो निकल जाती है और फिर पिंकिश हो जाता है। तो अब मैं अपने लिप में, मैं यहाँ पे हल्दी और लिप जो मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। उसको आपको अपने हैंड से यूज करके लगाना है। तो बस थोड़ा सा लगाना अपनी लिप्स वाले एरिया में। ये हमारी लिप को लाइटन करता है और जितनी भी डेड स्किन रहती है हमारी लिप में वो रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मैं इसको 5 to 6 or 8 minutes तक मैं इसको स्टे करूँगी रखूँगी, और जब तक ये सूखेगा नहीं, जैसे ही सूखता है तो हम वापस आते हैं। सो यस, ये अब सूख चुका है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो मैं अपने जो गीला टॉवल था उसकी हेल्प से इसको रिमूव करूँगी। नो, उससे पहले हम इसको स्क्रब करेंगे, सॉरी। तो उसके लिए मुझे ब्रश लेना है, जो मैंने यहाँ इससे पहले स्क्रब यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर ब्रश ले रही हूँ और उससे हमें थोड़ा सा स्क्रब करना है, बस थोड़ा सा ही। तो गाइस, अगर आप ये वाला स्टेप कंपल्सरी रखेंगे अपने क्लीनअप में तो ये बहुत अच्छा है। सो आप देख सकते हैं ये फाइनल है, हमने अपना फेस पूरा क्लीनअप कर लिया था। लेकिन लास्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें एक फ्रूट क्रीम लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी फ्रूट क्रीम ले रही हूँ, तो ये बायोफ्रेश का है। तो आप कोई फ्रूट क्रीम लीजिए और उसको अपने फेस से 2 मिनट के लिए आप उसको मसाज कीजिए। क्योंकि जब भी हम अपना फेस क्लीन कर लेते हैं पूरा स्क्रब या फिर ये सब फेस पैक, उसके बाद हमें अपने स्किन को अच्छे से पूरा फ्रूट क्रीम सेट करना पड़ता है। और फ्रूट क्रीम जो है वो दोनों स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, ऑयली और ड्राई स्किन के लिए। इसको अच्छे से आप डैप भी कर सकते हैं या फिर आप अच्छे से इसका मसाज भी कर सकते हैं लास्ट में।
तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। सो यस, सो यप, हियर इज द फाइनल लुक। सो प्लीज, बट या प्लीज इग्नोर माई लिप इंजरी, इट्स अ स्मॉल वन बट इट्स लुक लाइक वेरी ऑकवर्ड, बट क्या कर सकते हैं, वीडियो बनाना था। सो गाइज प्लीज़, आप लोग ये घर पे भी कर सकते हैं, ये जो अपना फेस क्लीनअप था, अंडर 200 रुपीज़ ओनली। सो लव यू ऑल, टेक केयर।